आप हैं बागबानी चैनल पे। दोस्तों ये प्लांट जो आप देख रहे हैं इसका नाम है मेक्सिकन श्रबी स्पर्ज और इसको कैरेबियन कॉपर भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा प्लांट है दोस्तों। इसके लिए इस तरह से रेड तरह के आते हैं, जो नई नई ग्रोथ होती है वो तो इस तरह से ग्रीन कलर में आते हैं और कुछ दिनों के बाद इस तरह से ये रेड कलर ले लेते हैं। इसके लिए देखने में बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये बहुत आसानी से ये आ जाता है दोस्तों। ये इजी टू ग्रो प्लांट है और इसकी ज़्यादातर केयर भी नहीं करनी पड़ती है। बहुत ही अच्छा प्लांट है, हम अपने गार्डन में इसको लगा सकते हैं। और जो बिगिनर्स होते हैं, जो पहली बार अपना गार्डन अपने प्लांट्स लगाते रहते हैं, वो ये प्लांट ज़रूर लगाएं। तो ये इजी टू ग्रो है तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत आसानी से आ जाएगा और उन्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि वो प्लांट्स लगा सकती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये किसी भी छोटे पॉट में या किसी भी छोटे इस तरह के बॉटल्स में भी लगा दो तो भी ये आ जाएगा। ये देखिए, एक मैंने इसमें भी लगाया हुआ है, बहुत आसानी से चल रहा है। ये प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों, इससे इसका यूज़ मेडिसिन्स में होता है, यूज़ होता है ये प्लांट। लेकिन अपने पॉट्स में भी या फिर अपने नीचे ज़मीन पे भी ये बहुत अच्छे से आ जाता है और इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। और पहले हम इसकी सॉइल की बात कर लेते हैं। इसको वेल ड्रेन साइल बहुत ही पसंद है दोस्तों, ताकि इसके जड़ में पानी ना रुके। तो हमें अपनी साइल इस तरह से तैयार करनी है कि अपने गार्डन साइल में 20% सैंड ले सकते हैं और 20% कुछ भी गोबर की खाद या फिर अपनी किचन से बनाई हुई किचन वेस्ट से बनाई हुई खाद ले सकते हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स करके हम पॉटिंग साइल बना लें और इस प्लांट को लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से ये आ जाएगा। देखिए इस तरह से बहुत इसके डालियां इस तरह लंबी लंबी सी लगी सी होती जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और इसको धूप पसंद नहीं है दोस्तों, ये छांव में रहने वाला प्लांट है। लेकिन इसको पार्शियल शेड में या फिर छांव में रखें तो ये आसानी से आता है, इसको धूप इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और इसको लगाना भी बहुत ही आसान है दोस्तों, बस यहीं से इसके इस तरह से स्टेम जो आते हैं, थोड़ा मोटा वाला स्टेम देख के हम इन्हें कट कर लें और उसको लगा लेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा। एक देखिए, मैंने यहाँ एक लगा के रखा हुआ है इस तरह से एक छोटे से बॉटल में। और अभी तो समर्स चल रहे हैं तो मुझे डर है कि ये इसको पानी देना बहुत भूल जाती हूँ मैं, इसलिए मैंने इसको क्या किया हुआ है, दूसरे एक बॉटल में पानी लेके इसको इस तरह से मैंने पानी में रखा हुआ है तो ये अच्छे से आ रहा है। बस ये कुछ ही दिन हुए हैं, बस इसमें ग्रोथ नई ग्रोथ आना भी शुरू हो चुका है दोस्तों। बस इस तरह से हम लगा के रख सकते हैं, ये बस लगा के कुछ ही दिन हुए हैं, अब इसमें नई ग्रोथ भी आना शुरू हो गई है दोस्तों। अभी समर्स हैं तो हम अपने कटिंग्स इस तरह से हम लगा सकते हैं, ताकि हमें बार बार इसमें पानी देना भूल जाते हैं या फिर कहीं चले जाते हैं तो हमारे कटिंग्स ख़राब ना हो। तो हम इस तरह से इसको इस बॉटल में पानी भर के दूसरे बॉटल में इसको लगा के इस तरह रख सकते हैं। और ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर हम दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं कि हम इसको कटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे इसकी कटिंग लें हम। इसके लिए देखिए दोस्तों, थोड़ा मोटा वाला स्टेम जो होता है इसका, तो बस इसके 3-4 इंच की कटिंग ले लें तो बस चल जाएगा ये। बस मैं यहाँ से इसको देखिए, यहाँ से इसको मैं कट कर लूँगी, एक ये कट कर लिया और दूसरा वाला, ये स्टेम भी बहुत हार्डी है, इसको मैं कट कर लेती हूँ इस तरह से। और इन दोनों कटिंग्स को हम
लगा लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों कटिंग्स ले ली हैं और फिर इनका जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम इसको इस लीव्स को हम हटा देंगे थोड़े ऊपर तक, बस इस तरह से। और ये दूसरे वाले के भी हम इस तरह से हटा देंगे और फिर दोनों को इस तरह साथ साथ में लेके, और चलिए ये लीव्स भी मैं हटा ही देती हूँ। बस इन दोनों को इस तरह लेके, इसमें मैंने अपने गार्डन सॉइल भर ली है, बस इस तरह से पानी ले लिया है दूसरे एक बॉटल में, इसको इस तरह से रख के और फिर हम इसको एक छोटा सा गड्ढा करके इस तरह से लगा देंगे और हल्के हाथ से हम इसको दबा देंगे। बस दोस्तों इसी तरह से ये कुछ ही दिनों में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी इसकी, और इसमें छोटे छोटे फूल भी आ जाते हैं दोस्तों, वाइट वाले फ्लावर्स भी आते हैं। और इसको पानी भी, अब समर्स है तो हम रोज़ रोज़ तो पानी देते ही रहते हैं, और इसको भी हम इस बोतल के ज़रिए से इसको पानी दे रहे हैं, तो इसकी अब हमें फ़िक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छे से ये प्लांट हमारे यहाँ बड़ा हो जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। हम इसी तरह से इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं और इंडोर से भी ये आउटडोर में ही अच्छे से आएगा, लेकिन आउटडोर में क्या है, पार्शियल शेड या सेमी शेड में रख दें तो ये आसानी से ग्रो हो जाएगा हमारे यहाँ। इस तरह से इसमें छोटे छोटे से वाइट से फ्लावर्स भी आते हैं ये प्लांट थोड़ा बड़ा होने पर। बस दोस्तों ये प्लांट के बारे में इतना ही कहना था, और आप ज़रूर बताइए मेरा वीडियो आपको कैसे लगा। आप भी इसी तरह नए नए प्लांट्स लगाते रहिए। अल्लाह हाफिज़।